हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिजीत साहब, पता नहीं अभिजीत किस हाल में होगा। सर आप फिक्र मत कीजिए, अभिजीत सर जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। मगर हमें पता तो नहीं है ना कि वो ठीक है या नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि सूरज कितनी लंबी है। अभिजीत, अभिजीत सर, सर अभिजीत सर जैसे अच्छे लोगों की भगवान हमेशा मदद करता है, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अभिजीत घायल है, उसे चोट लगी है, वो अकेले अपने आप को कैसे संभालेगा? कहीं वो पानी के तेज बहाव में बह न गया हो। आवाज किस? लगता है कहीं धमाका हुआ है। लगता है शायद यहाँ पर कोई सुरंग टूट के गिरी है। चलो सर, कहीं संजना को यहीं तो नहीं बांध के रखा था? हाँ हो सकता है। सर देखो देखो, राजेश कॉन्ट्रैक्ट किलर राजेश। तुम थे इसके पीछे? बताओ संजना कहाँ है? तुम लोग कभी जान भी नहीं पाओगे कि संजना कहाँ है। और मैं अपने बॉस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इसके लिए चाहे तुम लोग मेरी जान ही क्यों ना ले लो। मरने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हाँ तो मैं शौक को तुम्हारा पूरा करता हूं अभी। बता, ये दूसरी गोली तुम्हारे सिर में होगी। एक, संजना कहाँ है? दो, तीन। मेरी बेबी, मेरी बच्ची, और मैं
उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, हम निकलेंगे यहां से। संजना आओ, हमारे चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे जैसों को काबू में करने के लिए हमारे पास हजारों तरीके हैं। तुम लोग को जो भी चाहिए था मैं वो लेकर आई हूँ। मेरा भाई कहाँ है, उसे छोड़ दो। तिफ के समय दे दो और अपने भाई को ले जाओ। समीर, एक मिनट, तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने देंगे।
तुम दोनों को तो मैं ऊपर पहुंचाऊंगा, एक साथ वो भी। तुम्हें तुम्हारा ब्रीफकेस मिल गया ना, अब तो हमें जाने दो। हमें जाने दो। सीआईडी भागो, छोड़ना मत। तुम लोग ठीक हो? जी सर। गुड। सर ये वही ब्रीफकेस है जो मेरे बॉस सिकंदर जी ने आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। अच्छा, इसे खोलते कैसे? क्या नंबर है इसका? मुझे नहीं पता। बताओ बताओ, कौन है तुम्हारा बॉस? किसके लिए काम कर रहे हो ये? सर हमें नहीं पता सर, हमने कभी देखा नहीं। तुम लोगों ने देखा नहीं उसे? ये बैग तो तुम्हारे पास थी, इस बैग को कैसे खोलते हैं बताओ? सर हमें नहीं पता सर, हमें तो बस दोनों को मार के ब्रीफकेस लाने के लिए बोला गया था सर। किसने बोला था? हमें नहीं पता है सर, बस किसी अनजान आदमी का फोन आता है, नंबर नहीं दिखता है सर। अच्छा, कुछ नहीं दिखता है तो ठीक है, अब सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ले जाओ इन दोनों को। सर तुम दोनों तुम जा, सावधान रहना। जी सर। जा। संभल के सर, बैग में ये फोटो मिली है। बैग में देखो और भी कुछ मिलता है क्या? है कौन ये आदमी? फिर ये क्या नंबर है? CT2333। इतने खतरनाक लोग ये इस एक फोटो के पीछे क्यों पड़े? कहीं ये हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? नहीं पंकज, तो मालूम है ना संजना का बॉस सिकंदर, उसने अपनी जान गवाई इस बैग के लिए। नहीं नहीं नहीं,
ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, बैग से और कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इस फोटो की कॉपीज बनाकर हमारे सारे खबरी और पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। चीटी ऑडिटोरियम, अगर टैक्सी मिल जाती तो फंक्शन में जल्दी पहुंच जाता। विजय तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ, और आप लोग? हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो जहाँ फंक्शन हो रहा हम तुम्हें वहां छोड़ दें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई लेने आने वाला है। विजय जी, हम लोगों को लगाया गया है स्पेशली यहाँ से लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मुझे, अरे यार बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैं जानता हूँ बड़ा फंक्शन है, लेकिन मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। और फिर, चलो यार हमारे पास टाइम नहीं है। आइए 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 विजय जी, बैठिए प्लीज 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 प्लीज। अभिजीत, यहाँ पर सुरंग है सर। सर, सर नहीं, अभिजीत सर अंदर तो नहीं फंसे? अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत, अभिजीत सर। सर लगता नहीं अंदर आवाज जाएगी। अभिजीत हमारी आवाज आ रही है? अभिजीत हमारी आवाज आ रही है? अभिजीत सर, अभिजीत सर लगता है अंदर आवाज नहीं जा रही है। नहीं, कोई है, कोई है अंदर। खोलो सर, खोलो। अगर कोई अंदर होगा तो जिंदा नहीं होगा शायद। चुप, खोलो सर जल्दी। चलो हटो। CT-233 कोई कोड तो नहीं है सर? वही वही क्या हो सकता है, वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं ना पंकज। 2333 चार डिजिट्स, कोई गाड़ी के नंबर जैसा लगता है। और फिर सीटी क्या हो सकता है? सीटी ये तो कोई हमारे देश की किसी स्टेट का भी इनिशियल नहीं है। टी ट्रैवल्स, गाड़ी का नंबर 2333। हाँ ट्रैवल भी हो सकता है। सी, एक काम करो नेट पे जाके देखो कोई ट्रैवल एजेंसी है क्या सीटी नाम की, और अगर है तो पता लगाओ ये नंबर भी क्या है 2333। जल्दी
आगे से। हाँ निखिल, पता चला अभिजीत का? नहीं सर, अभिजीत सर के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया। थैंक यू सर। सर सिटी ट्रैवल एजेंसी है सर। सिटी ट्रैवल है, मैंने कहा था ना। और सर उनकी बस बेंगलुरु से बॉम्बे आ रही सर, PH09-2333। तो हो सकता है ये आदमी उसी बस में। सर ट्रैवल एजेंसी ने पैसेंजर लिस्ट ईमेल किया सर। ये देखिए, एक मिनट, 30 साल, विजय कुमार उम्र 30 साल, कहीं यही विजय कुमार नहीं? क्योंकि बाकी सारे लोग औरतें हैं, लड़कियां हैं और बड़े उम्र के मर्द हैं। यही हो सकता है कि ये उन लोगों का साथी तो नहीं, कुछ गलत काम करने के लिए निकला, या फिर इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। विजय कुमार, एक काम करो, ट्रैवल एजेंसी में फोन करो और उनसे कहो कि हमें इस आदमी के सारी डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स, पेमेंट सब कुछ। यही हो सकता है। थैंक यू सो मच। ओके सर। हाँ सर, ट्रेवल एजेंसी ने बताया इसका नाम विजय कुमार है, इसने ऑनलाइन टिकट बुक कराया था, पेमेंट इसने क्रेडिट कार्ड से किया है सर। इसके बैंक मैंने फोन करके इसका डिटेल मांग लिया है, वो लोग इसका फोटो भेज रहे हैं। वेरी गुड सर, फोटो आ गया। माय गॉड सर, सर तो यही आदमी है, विजय कुमार। ये बस कलानगर बस स्टैंड आने वाली है, बस नंबर 2333 बंगलुरु से मुंबई आने वाली है, कलानगर बस स्टैंड। सुनिए, मुझे फंक्शन में जाने से पहले मिस्टर राहुल से मिलना है, आप लोग मुझे उन्हीं के पास लेकर जा रहे हैं ना? वो एक्चुअली मुझे याद आया कि मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना था, अर्जेंट काम था, सो आप लोग मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए। सर आप गाड़ी रोकिए, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। मोबाइल रखो, हम जहाँ चाहेंगे वही तुम्हें भेजेंगे, और वहाँ फोन भी काम नहीं आएगा। चाहते हो मुझसे? अब विजय तू नहीं, विजय मैं हूं, और अब तेरी जगह फंक्शन पे मैं जाऊंगा और तू सीधा ऊपर जाएगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज। अब तुम्हारा खेल खत्म, अलविदा। अभिजीत, 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 अभिजीत। चलो
तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल। सर। हे अभिजीत, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। और इस लाश को भी? नहीं मैं ठीक हूँ यार। नहीं नहीं, इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। तीनों अभी बहुत काम बाकी है अभिजीत, चलो। सर, सर, ये देख सीटी ट्रैवल्स, रुको ही। सर सिटी ट्रेवल्स ने जो बस का नंबर दिया था वो यही बस है। यही है? हाँ सर। तो जरा देखो अंदर। सर बस तो खाली है। खाली है मतलब हमें देर हो गई, न जाने विजय कहाँ होगा, कहाँ गया हो, इन्हें पूछ। अरे भाई सुनो जी। भैया आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले इसी बस से उतरा था और यही था वो आदमी। यही था मतलब? कहाँ गया वो, है किधर? एक गाड़ी में बैठकर कुछ लोगों के साथ गया है, ऐसा लगता था जैसा वो लोग उसे जानते हैं। अच्छा उस गाड़ी का नंबर देखा था आपने? नहीं साहब। अच्छा किस तरफ गए वो, इस तरफ या इस तरफ? इस रास्ते से गए हैं। ठीक है, थैंक यू। जी साहब जी। चलो जीटी ऑडिटोरियम में होने वाले फंक्शन में विजय शामिल होने वाला है। वहाँ उस ऑडिटोरियम में हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आने वाले हैं। हाँ सर, पता नहीं कौन लोग उसे बस स्टैंड से उठा के ले गए। वही तो। सर पीछे कोई है। सर तो विजय। हाँ जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सर मुझे बचा लीजिए। सर सर मुझे बचा लीजिए। सर इसे मारना चाहते थे, बस गोली मार दी और फेंक दिया यहाँ पर। वो हाँ वो क्या बोलो। सर वो मेरी जगह। बोलो विजय क्या, कौन मेरी जगह लेने जा रहे हैं जीटी ऑडिटोरियम में। जीटी ऑडिटोरियम। सर ये तो बेहोश हो गया है।
ये लोग यहाँ कुछ बना रहे थे, शायद कोई बड़ा पावरफुल बॉम्ब। बॉम्ब? सर, लेकिन इन लोग का निशाना क्या है? ये लोग धमाका कहाँ करने वाले हैं? बाहर जाने का रास्ता देखते हैं, चलो देखते हैं। जाने का रास्ता है। मिस्टर विजय, आप अंदर जा सकते हैं, आपका स्वागत है। अच्छा, बाय द वे, फंक्शन कितनी देर में शुरू होने वाला है? सर, 15 मिनट में शुरू हो जाएगा। तुम दोनों यहाँ कैसे है? सर, इस सुरंग का एक रास्ता यहाँ निकलता है और नीचे सुरंग में एक बॉम्ब बनाया गया सर, जो शायद यहाँ इस ऑडिटोरियम में लाया गया। सुरंग से बॉम्ब लाया गया? तो फिर जरूर दया, वो जो नकली विजय बनाए, बॉम्ब उसी के पास है। वो तो कभी भी धमाका कर सकता है। वो देखो, पकड़ो उसे। दिमाग को गलत जगह पे इस्तेमाल किया है। सर, सर, इनमें से हम कौन सा वायर काटेंगे? पंकज, 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 we'll be right back.
है ये सब? ओह नो, ये बम तो एक्टिवेट हो गया। पंकज, 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 निकल, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब खत्म हम करेंगे। शेफ, प्लान का ये रेड वायर काट दो से। सर, रेड वायर? काट दो। सर, ये बॉम्ब फिर से एक्टिवेट हो गया। सर, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मुझे मालूम था तुम ये लाल कलर का वायर काटोगे। अभी ये बॉम्ब कभी डीएक्टिवेट नहीं होने वाला है। अभी सब तरफ तबाही होगी, सब मरोगे तुम लोग। हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही होगी। सर, सिर्फ 4 मिनट बाकी। कुछ नहीं होगा। दया तो गया। क्या कहा तूने? बोल। दया तो गया। गलतफहमी है तुम्हारी। दया कभी जा नहीं सकता। जाओगे तो तुम। बताओ, किसके लिए काम करते हो तुम? किसे बेचते हो तुम ये हथियार? बताओ। इस देश के उन दुश्मनों को जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन ये कड़ी सुरक्षा के चलते शहर में हथियार लाना मुश्किल हो गया था, और इसलिए तुमने एक बिल्डिंग खरीद ली और रोशन एंटरप्राइज नाम की नकली कंपनी शुरू कर दी, और फिर उस बिल्डिंग के नीचे से सुरंग बना दिया समुंदर तक, ताकि सारे हथियार तुम अंदर लाकर शहर में बड़ी आसानी से दे सकते हो। हाँ, और फंक्शन में धमाका क्यों करना चाहते थे तुम? बताओ। इस देश के सभी प्रतिभाशाली नौजवानों को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था मुझे, और इसीलिए तुमने नकली विजय को भेजा उस ऑडिटोरियम में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के लिए। हाँ, लेकिन संजना और उसके बॉस सिकंदर को मेरे पूरे प्लान की भनक लग गई, और उसी के जरिए तुम लोगों को। जब तक ये CID है, इस देश की तरफ कोई बुरी नजर उठा भी नहीं सकता, समझे? ले जाओ इसे। चल, और तू भी चल।
दया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.